हरे कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आप ही के अपने YouTube चैनल पे। बात करते हैं मार्केट्स की अगले वीक के लिए, मंडे के लिए क्या हो सकता है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कैसे दिख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स। देखो, जब थर्सडे को मंथली एक्सपायरी थी तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों प्रेशर में थे। नया लो लगा बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी भी काफ़ी नीचे आया। बट टुवर्ड्स दी एंड, आखिरी आधे घंटे में एक अच्छा खासा अपमूव आया। निफ्टी में ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का अपमूव आया और बैंक निफ्टी में तो 500 पॉइंट का अपमूव आया। जिस कारण से देखो, एवरेज क्लोजिंग तो काफ़ी नीचे आई है। निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग देखोगे तो 21,350 पर आई है, बट एक्चुअल में मार्केट जो है पहुंच गया था 21,400 तक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो 45,000 के भी हम ऊपर पहुंच गए थे। 45,000 के आसपास पहुंचने के बाद एवरेज क्लोजिंग नीचे आई है, जो कि आई है 44,860 पे। तो ऑलमोस्ट देखो, जिन्होंने आखिरी 5 मिनट में सोचा होगा कि भाई मार्केट बहुत बढ़ गया, बहुत तेजी में है, कॉल बाय किया होगा, उनको ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट का फटका तो बैंक निफ्टी में वहीं पे लग गया। अब अगर ये 200 पॉइंट गैप अप भी खुलता है तो आपके हाथ से ना सिर्फ तेजी गई 200 पॉइंट की, आपके हाथ से एक दिन गया फ्राइडे का, वीकेंड का प्रीमियम डीके आपको अलग से मिलेगा। तो ऑप्शन जिन्होंने आखिरी 5-10-15 मिनट में कॉल लिए होंगे, उनको ज़रूर यहाँ पे इस कारण से चोट आई, क्योंकि नीचे एवरेज क्लोजिंग काफ़ी नीचे आ रही है मार्केट की। बट अब मार्केट में हो क्या सकता है, क्या मार्केट यहाँ से और गिरेंगे या फिर आएगी रिकवरी, क्या प्री बजट रैली आएगी। बजट भी है अब 1 तारीख को, यानी निफ्टी की जो अगली एक्सपायरी होगी वो होगी बजट वाले दिन। तो देखते हैं क्या सब हो सकता है मार्केट में, चार्ट कैसे दिख रहे हैं और समझते हैं। देखो, निफ्टी की अगर हम मंथली चार्ट पे चलेंगे तो एक वर्टिकल अपमूव निफ्टी में चल रहा था, और आप देखोगे कि एक पहली बार हमने पिछले 2 महीनों की तेजी के बाद हल्का सा पॉज देखा है। देखो, ये कैंडल अभी भी इतनी ख़राब नहीं है, पिछले कैंडल के आधे के नीचे हम नहीं आए हैं। 20,900 के नीचे अगर हम आते हैं तो फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ी ख़राब होने लग जाएगी, जो कि बैंक निफ्टी के चार्ट पर आपको दिखेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है पिछले मंथ की पूरी तेजी को गवा बैठा है। जो तेजी हुई थी पूरी की पूरी बैंक निफ्टी ने गवा दी, एक मंथली चार्ट पे बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। देखो, जनरली बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का मतलब नेगेटिव होता है, बट मार्केट नीचे आने की जगह दो चीज़ें कर सकती है, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होती है, फंड्स बाइंग के लिए आते हैं। तो यहाँ पे पॉज भी आ सकता है और कंटिन्यूएशन भी आ सकता है। कंटिन्यूएशन का मतलब होगा आपको ये जो लो है इसके नीचे मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 44,500। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले दिनों में। अगर मार्केट इस लो के नीचे जाती है तो आपको एक और बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है। आप देखोगे यहाँ पर भी जब भी मंथली चार्ट पे गिरावट आई है तो यहाँ पे उसके बाद अगला कैंडल एक और मंथली सेलिंग का कैंडल बनता है। कई बार वो कैंडल थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, और कई बार वहाँ पे मार्केट में दूसरा जो पॉसिबिलिटी रहता है वो होता है पॉज लेने का। पॉज यानी आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट गिरी थी, उसके बाद 1-2 महीने का पॉज लिया नीचे के रेटों पे। मार्केट में प्रेशर जरूर रहा बट मार्केट गिर नहीं रही थी। अगर मार्केट यहाँ रुक जाती है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे रुक जाता है, अगला महीना मार्केट ज़्यादा नहीं गिरती है, थोड़ा संभलने लगते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, तो फिर आने वाले दिनों में वापस तेजी कंटिन्यू हो सकती है। इसका मतलब होगा कि डिप पे बाइंग आ गई। तो हमें चार्ट पे अब देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में मार्केट कंटिन्यू करती है नीचे की तरफ या फिर इन एरियाज को होल्ड करती है, और यहाँ से फिर अगर होल्ड होता है तो बाइंग भी आ सकती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बड़े सेलिंग कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल बना, मार्केट ने खुद को होल्ड किया, फिर वहाँ से वापस तेजी आई। उसके बाद मार्केट जो करेगी सो करेगी, बट यहाँ पे या तो अब अगला महीना एक पॉज कैंडल बन सकता है बैंक निफ्टी में, यानी यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनेगा जिसमें अप मूव आएगा उसको सेलिंग आएगी, डिप आएगा तो बाइंग आएगी, और कुल मिला के मंथली बेसिस पे हम यहाँ पे कहीं पे रह सकते हैं। तो आप यहाँ पे दो चीज़ों के लिए प्लान कर सकते हो। पहला, आप मंथली ऑप्शंस बेच सकते हो, कॉल पुट दोनों बेच सकते हो, और अगर मार्केट वॉलिटिलिटी दिखा के वहीं पे रह जाता है बजट के आसपास, आपको प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, तो ड्यू टू हाई विक्स आप अगर इस चीज़ का फायदा उठाते हो तो दिस कैन बी अ गुड थिंग। दूसरा, यहाँ पे अगर मार्केट में फॉल आता है तो कहाँ तक आ सकता है, इसको देखने के लिए हम चलते हैं एक बार डेली चार्ट पे। देखो, बैंक निफ्टी के अंदर 200 डेज की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो हम टेस्ट कर रहे हैं, 2 दिन से हम उसी के आसपास रुक रहे हैं। देखो, हमने पास्ट में भी जब 200 डेज की मूविंग एवरेज के आसपास आए हैं और नीचे थोड़ा उसके गए हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेशन या कोई अच्छा पैटर्न बनाया और फिर तेजी दिखाई है, ऐसा यहाँ पे भी दिखेगा आपको, और यहाँ पर भी आपको सिमिलर पैटर्न दिखेगा, और उसके बाद वहाँ से फिर हमने तेजी दिखाई है। प्लस बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे जो लो लगे थे पिछले दोनों उनको जोड़ा है, और पिछले मैंने दोनों हाइस को जोड़ा है, तो एक पैरेलल चैनल बन जाता है हमारे पास। ये पिछले हाइस को जोड़ के चैनल ऊपर का ट्रेंड लाइन है और ये नीचे का है, तो ये दोनों चीज़ें हमें एक नीचे के साइड पर सपोर्ट जो है वो दिखाती है, ऑलमोस्ट 43,600-43,700 के आसपास, यानी जहाँ पे हम अभी हैं वहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट नीचे एक जगह दिखाई देती है। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरना है तो 200 पीरियड की मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट 44,500 का एरिया इसके नीचे ट्रेड करेगा। ये 2 दिन का पिछले लो है, कॉमन लो है, और इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करेगा तो फिर हम जज नहीं करेंगे कि भाई मार्केट और गिरेगा या फिर मार्केट में नीचे से बाइंग आएगी, बट हम पहले एक मंदी के लिए प्ले करेंगे। तो मंडे को मार्केट क्या कर सकती है, देखो अगर मार्केट मंडे को 45,000 को होल्ड करती है, 45,000 को होल्ड करती है 45,000 के ऊपर,
ऊपर रहती है तो फिर मार्केट में बजट भी आ रहा है, प्री बजट एक रैली हो सकती है मार्केट में, और प्री बजट रैली में मार्केट थोड़ा अच्छा खासा तेजी वापस दिखा सकती है। बट पहला राइज आएगा इतने बड़े सेल ऑफ के बाद, तो उस पर सेलिंग जरूर आएगी और फिर वहां से वापस मार्केट नीचे आएगी। तो अगर मार्केट मंडे को ऊपर खुलती है तो यहाँ पे आप लोगों को एक सलाह रहेगी कि आप कॉल पुट दोनों बेच सकते हो 45,000 जैसे लेवल के, और अगर आपको वहाँ पे यू नो ऊपर से सेलिंग आई, मार्केट पहले चढ़ी फिर घटी और फिर कुछ बीच में क्लोजिंग आ गई जैसा आप ये मंथली चार्ट पे डिस्कस कर रहे थे, तो वो सिनेरियो बन सकता है और अच्छा खासा आपको प्रीमियम का फायदा बैठे बैठे मिल जाएगा। तो अगर मार्केट अच्छे लेवल पे खुलती है मंडे को तो हमें तेजी पहले देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्लोबली कुछ भी खराब नहीं है, ग्लोबल सब कुछ सही है। बट अगर किसी कारण से गैप डाउन खुलता है, देखो यहाँ पे 45,000, 44,900 इन एरियाज में बहुत सारे लोगों ने टुवर्ड्स द एंड बाइंग किया होगा देख के कि भाई मार्केट संभल रहा है, हैमर बन रहा है। बट अगर मार्केट नीचे खुल जाएगी तो होगा क्या कि मार्केट एक नया लो बनाने के लिए तेजी से नीचे की तरफ आएगी, दो दिन का जो लो लगा है उसको तोड़ने के लिए जाएगी। बट उसके लिए चाहिए हमें कोई ट्रिगर जो फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। ग्लोबली भी सब कुछ ठीक है और हमारे स्टॉक्स में भी जो रिजल्ट्स आने थे बड़े बड़े स्टॉक्स के, ज़्यादातर सबके आ गए, सिर्फ एक SBI के रह गए। बट अभी आप देखोगे कि इन रेटों पे SBI के रिजल्ट भी ज़्यादा मार्केट को चाह के भी नहीं गिरा पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मार्केट मंडे को सही जगह पे खुल जाती है, ऊपर कहीं पे खुल जाती है 45,000 के आसपास, तो मैं यहाँ पे यू नो ऑफकोर्स पहले मार्केट फिर मेरे को लगता है कि थोड़ा ऊपर की तरफ जाना पसंद करेगी, और फिर ऊपर से हो सकता है 46,000 के आसपास से वापस एक सेलिंग का प्रेशर भी आए और कुछ पैटर्न बनेगा, यहाँ पे रेंज बनेगी, बेस बनेगा और फिर इवेंचुअली मार्केट ऊपर जाएगी। बट इस चीज़ का फायदा हम ऑप्शन सेलिंग करके उठा सकते हैं। तो आपको मंथली ऑप्शंस अगर बेचने हैं तो मंडे की मॉर्निंग की ओपनिंग आप देखकर इस चीज़ को ज़रूर करने का सोच सकते हैं। बट अगर किसी कारण से मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलती है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 44,700, 44,700 का। हम 860 के आसपास हैं एवरेज क्लोजिंग देखें तो, अगर यहाँ से और 100-150 पॉइंट नीचे खुलते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता मार्केट खुद को होल्ड कर पाएगी और फिर वहाँ पे हम डायरेक्शनल सेलिंग के लिए जाएंगे। वहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है, इस लो को तोड़ता है तो मार्केट में और पैनिक आएगा, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और उस कारण से हम वहाँ से 700 से 1,000 पॉइंट और गिर सकते हैं 43,600-43,700 इस एरिया की तरफ। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक अभी भी स्पेस है लगभग 2-2.5% का, इसको हम ट्रैवल कर सकते हैं। बट उसके लिए ओपनिंग ख़राब होनी चाहिए। अगर मंडे को मार्केट सही जगह पे खुलती है तो देखो नई एक्सपायरी है, पिछली पोजीशंस ख़त्म हो गई। अगर स्मार्ट मनी को फ्रेश शॉर्ट्स बनाने भी हैं तो वो चाहेगा कि थोड़ा अच्छा रेट मिले, तो यहाँ से मार्केट इनिशियली प्री बजट रैली जिसको कहते हैं बजट से पहले एक बाउंस ले सकता है और फिर बजट के आसपास एक इवेंट है बहुत बड़ा, उसमें कुछ अगर बहुत अच्छा आया तो फिर हो सकता है मार्केट निकल जाए, बट अदरवाइज वहाँ से मार्केट में वापस सेलिंग आनी चाहिए। तो मुझे लगता है मार्केट मंडे को अगर सही लेवल पे खुलती है, 45,000 के ऊपर खुलती है, तो वहाँ पे मार्केट में एक अच्छा खासा अपमूव आ सकता है अगले 2-3 दिनों में और बाय बजट हम लोग वापस 46,000 के आसपास देख सकते हैं मार्केट को। तो ये एक ट्रेड है जिस पे आप ध्यान दे सकते हो अगले आने वाले वीक के अंदर, अगर अच्छे एरिया में खुलते हैं, और अगर नीचे खुलते हैं तो वहाँ पे डायरेक्शनल सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। आइए एक बार 15 मिनट का चार्ट भी देखते हैं मैग्निफ्टिकल, थोड़ा और समझ में आएगा। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आपको यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर दिखेगी कि जब से हम लोगों ने यहाँ पे फॉल दिखाया है, हमने कभी भी यहाँ पे एक हायर हाई नहीं बनाया। देखो यहाँ पे एक सेलिंग आई, हाई लगा, फिर सेलिंग आई, फिर एक लोअर हाई लगा, फिर एक सेलिंग आई और फिर से एक लोअर हाई ही बना है। तो ये एरिया काफ़ी कॉमन एरिया हो जाता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं तो ये एरिया आप देखोगे एक कॉमन एरिया है, इसके ऊपर अच्छी एंट्री बन जाएगी। तो 45,150 के ऊपर मार्केट के निकलने पे हमें मोमेंटम मिल सकता है। तो जो लोग ऑप्शन बाइंग पसंद करते हैं करना, कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, वो 45,150 के लेवल पर नज़र रखें। इसके ऊपर अगर कोई 5 मिनट की कैंडल बंद करती है और मार्केट टिकती है तो आप यहाँ पे 50 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 45,500 एंड देन आगे ट्रेलिंग में डालकर अच्छे टारगेट ले सकते हो। फिर मार्केट यहाँ से कोशिश कर सकता है वापस 45,500 पहला टारगेट रहेगा हमारे पास कहीं ना कहीं, और उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से और ऊपर जाती है तो फिर थोड़े और हम बड़े टारगेट 46,000 तक के ले सकते हैं। बट 45,150 पे मेरी नज़र रहेगी, इसके ऊपर निकलने पे डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, बट उससे पहले यहाँ पे नहीं। किसी कारण से वही आपको जैसा मैं बोल रहा हूँ, मार्केट अगर 700 के आसपास खुल गई, यहाँ पे कहीं पे खुल गई, तो फिर ये एरिया टूटने के साथ ही मार्केट में जगह खुल जाएगी एक नए फ्रेश मोमेंटम की, लो की। बट वो तभी होगा जब मार्केट गैप डाउन खुले, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप खुलती है मान लेते हैं इस एरिया में, तो 45,000 सपोर्ट का काम कर सकता है, ये जो क्लोजिंग प्राइस आया है ये सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुद को होल्ड कर सकती है। यहाँ खुलने के बाद हम 2000 पॉइंट का फॉल एक और फर्दर बिना कोई ग्लोबल खराबी के एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर मार्केट सही जगह खुलेगी तो फिर मार्केट में एक थोड़ी सी तेजी का हम व्यू लेकर चलेंगे। आइए निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखिए निफ्टी अभी भी खुद को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है और निफ्टी में कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखी हमें पिछले अगर हम देखेंगे मार्केट का प्राइस एक्शन भी। अगर आप ऊपर से भी देखोगे तो निफ्टी के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट पाओगे। हम लाइफ टाइम हाई से 3-3.5% की रेंज में चल रहे हैं, तो यानी कुछ भी अभी गिरा नहीं है। अगर मार्केट गिरती है तो निफ्टी में काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी स्पेस है। निफ्टी 200 पीरियड की मूविंग एवरेज तक देखोगे यहाँ से भी पैटर्न बनाकर आया था,
तो इस तरह के चाल निफ्टी की रह सकती है आने वाले दिनों में। बट अगेन उसके लिए ग्लोबली कुछ खराब होना पड़ेगा, वरना मल्टीपल सपोर्ट है मार्केट के पास। 20,900-950 का मार्केट का एक बहुत मेजर सपोर्ट है आने वाले टाइम के लिए। यहाँ पे एक गैप भी छूटा हुआ है, उसके अलावा 21,000 का राउंड लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है मार्केट के लिए। जब जब मार्केट यहाँ आया आपने देखा है एक अच्छी रैली हुई है, अभी रिसेंटली भी हम यहाँ पे आए थे और फिर वहाँ से एक अच्छा 250 पॉइंट ऊपर ही बंद कर रहे हैं। अगर मार्केट नीचे खुलती है किसी कारण से, 21,200 का लेवल अब टूटने पे फ्रेश सेलिंग मार्केट में देखी जाएगी। 21,200 अगर टूटता है तो हम यहाँ पे 20,900 या फिर 21,000 का लेवल ज़रूर प्लान कर सकते हैं। और अगर एक बार ये लेवल्स आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा और डीप करेक्शन करेगी बैंक निफ्टी की तरह, और ये जो गैप छूटे हुए हैं इनको फिल करने के लिए मार्केट 20,300 तक भी आ सकती है। बट वो तभी होगा जब मार्केट गैप डाउन खुले और 200 का लेवल तोड़े। तो ये 200 का लेवल आप मार्क कर लीजिए, ये टूटता है तो आप मार्केट में निफ्टी में ऑलमोस्ट यहाँ से हम अगर इस लेवल की बात कर रहे हैं तो 900 पॉइंट यानी 4-4.5% का एक अच्छा खासा फॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। बट अगर सब कुछ यहाँ पे मार्केट में तेजी का व्यू लेना है तो यहाँ पे आपको देखिए 2 दिन का हाई कॉमन है, ऑलमोस्ट 21,450-460 का हाई है, उसके ऊपर 21,500 का एक राउंड लेवल भी है। 21,500 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो आपको वापस स्टेबिलिटी आती हुई दिखेगी। और अगर ग्लोबली कुछ खराब नहीं होता, बजट भी है, कुछ भी अच्छा अनाउंसमेंट आया, तो निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यहाँ पे गैप भी बहुत मेजर गैप छूटा हुआ है, तो निफ्टी यहाँ पे बहुत ही इजीली वापस हमें 21,900 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और उसके बाद वहाँ पे अगर अच्छी स्टेबिलिटी रहती है तो फिर लाइफ टाइम हाई वापस 22,124 का जो है वो बनने में देर नहीं लगेगी। तो 21,500 के ऊपर निफ्टी को बाइंग किया जा सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जिस तरह से मार्केट यहाँ पे चल रही है निफ्टी, तो निफ्टी के अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं दिखेगी। जब भी निफ्टी नीचे आता है बाइंग आ जाती है, और सेम चीज़ हो रही है मिड कैप निफ्टी के साथ, जिसके अंदर आप देखोगे कि बिल्कुल भी कोई खास गिरावट नहीं है। लाइफ टाइम हाई से भी आप देखोगे तो ये हार्डली 2-2.5% नीचे है, जस्ट लाइक निफ्टी। इसमें भी आप देखोगे एक कॉमन एरिया में बार बार यहाँ पे बाइंग आती है। अब ये एरिया बहुत मल्टीपल टाइम सपोर्ट का काम कर चुका है, जो कि 10,300 का लेवल है। ये लेवल अगर आने वाले दिनों में टूटा मिड कैप निफ्टी में, तो इसके अंदर हम एक बड़ी सेलिंग जैसे बैंक निफ्टी में हमने देखी है ऑलरेडी, वैसी प्लान कर सकते हैं। ये काफ़ी तेजी से भागा है, और ये इंडेक्स अगर नीचे आता है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये 9800 या 9600 इस एरिया तक भी चला जाता है। बट 10,300 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जहाँ पे हम हैं वहाँ से सिर्फ 1% नीचे का ये लेवल है, तो अगर 1% का फॉल मार्केट में आता है, चाहे वो गैप डाउन खुल के आए 70-75 पॉइंट, हम वहाँ से इसमें सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं और बड़ी सेलिंग के लिए बैठेंगे। पोजिशनली यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। बट इन केस अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये सिर्फ एक पॉज लिया है इसने, एक बड़ी तेज़ी हुई है उसके बाद इसने पॉज लिया और यू नो यहाँ से वापस एक नया हाई बनता है। तो अगर ग्लोबली सब सही रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट हमें अगर सेलिंग करनी है मिड कैप के अंदर तो 10,300 के नीचे प्लानिंग करेंगे, जो कि मैंने आपको जो लेवल दिया बहुत रीजनेबल है। जहाँ पे हम बंद हुए हैं वहाँ से हार्डली 1% नीचे है। तो अगर मिड कैप जिसकी एक्सपायरी भी होती है मंडे को, अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत ही एक आपके पास सिंपल सा ट्रेड प्लान मैंने आपको बताया। अगर ये मान लेते हैं इस एरिया के नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलता है 50 पॉइंट 40 पॉइंट, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो 350 का लेवल यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट का काम कर चुका है 350 के नीचे, ऑलमोस्ट सिर्फ 0.5%। ये अगर ये गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे हम एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। उस केस में हो सकता है 10,300 का लेवल जब टूटेगा तो स्पीड थोड़ी सी सेलिंग की बढ़ेगी और एक फ्रेश लो ये जो लेवल बना था 177 का, इसके नीचे का ये बना सकता है एक्सपायरी के दिन। बट गैप डाउन खुलना ज़रूरी है। अगर गैप अप खुल गया तो फिर मल्टीपल सपोर्ट्स जैसे आपको मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में समझाया इसके लिए भी है, और यू नो अपसाइड पे इसके पास रेजिस्टेंस जो है सीधा 10,600 के आसपास है, तो अच्छा खासा स्पेस इसके पास ऊपर जाने के लिए भी है। तो अगर ग्लोबली अच्छा सपोर्ट रहा तो प्री बजट रैली में ये भी ऊपर की तरफ भाग सकता है। जनरली बजट से पहले मार्केट यू नो स्टेबलाइज होने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि बजट में इस बार कुछ भी खराब आने की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हम। इंटरिम बजट है और उम्मीदें यही है कि चीज़ें अच्छी आएगी, और बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से गिर चुका है। तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं और ग्लोबल मार्केट में भी कुछ भी खराब नहीं दिख रहा। इन केस कुछ खराब होना होगा तो तभी होगा जब मार्केट गैप डाउन खुलेगी, और गैप डाउन खुलना वुड बी द फर्स्ट साइन कि भाई मार्केट और गिरना चाहती है। तो गैप डाउन नहीं होना चाहिए मार्केट में। अगर गैप डाउन होता है मार्केट में तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और सेलिंग के लिए अगर हम प्लान करेंगे तो फ्रेश लोस के लिए जाएंगे बैंक निफ्टी में, निफ्टी में और मिड कैप निफ्टी में। बट यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर खुलती है, तो बजट से पहले तो मैं सोचूंगा कि भाई मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगी, हो सकता है थोड़ा बाउंस ले अच्छे खासे लेवल पे जाए, और फिर ऊपर के रेटों पर हम प्लान करेंगे। जैसा आपको बैंक निफ्टी में समझाया, मंथली ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं अगर मार्केट आपको स्टेबल होती हुई लगती है, जिस केस में आप, क्योंकि अगर विक्स बढ़ता है बजट से पहले और अच्छे एरिया में मार्केट होती है तो आपको अच्छा खासा प्रीमियम का फायदा बैठे बैठे मंथली में मिल सकता है। तो दिस कुड बी अ गुड वे टू टैकल द वॉलेटिलिटी जो बजट के पहले और बजट के बाद आने वाली मार्केट में। तो दिस इज माय व्यू। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले रहेगा HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक ने अपनी 200 पीरियड की EMA को भी तोड़ दिया हुआ है, और उसके बाद से वहीं पर आप देखोगे कि उसके अंदर से एक वन वे सेलिंग आ रही है।
अभी ये स्टॉक कहाँ रुकेगा हमें इस चीज़ को पता नहीं लगाना है, हमें सिर्फ इतना सा काम करना है देखिए ये इसके पहले वाला सपोर्ट था और अभी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है वापस नीचे से, आप देखोगे एक अच्छी खासी बाइंग भी इसमें बनी है पिछले 2 दिनों पहले, तो अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो यहाँ से फिर इसमें एक पुल बैक जो आपको एक वर्टिकल फॉल के बाद अगर आता है तो थोड़ा साइजेबल आ सकता है और यही बैंक निफ्टी निफ्टी को सपोर्ट करेगा। तो मेरे लिए लेवल इंपॉर्टेंट है 1470 1470 जो यहाँ पे है वहाँ से सिर्फ 7 रुपये ऊपर है। अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर हम इसमें 1500 का पहला टारगेट ले सकते हैं और 1500 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करने लगता है तो वापस स्टेबल हो जाएगा और धीरे धीरे इसमें स्लो देखिए बहुत तेज़ी से नहीं चलते इतने भारी बड़ी स्टॉक्स, बट इवेंचुअली आपको वापस 1600 तक के रेट भी आते हुए दिख सकते हैं। HDFC बैंक है यार, ये कोई ख़राब स्टॉक नहीं है, सिर्फ इसकी पिटाई हुई है और इवेंचुअली अब यहाँ पे एक नीचे वैल्यू बाइंग अगर कोई पैटर्न बनता है तो आपको पुल बैक के फॉर्म में भी अच्छा खासा पुल बैक ऊपर की तरफ आता हुआ दिख सकता है। तो पहला स्टॉक रहेगा HDFC बैंक, इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर ये 1470 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे इसमें आपको एक थोड़ा सा साइजेबल अपमूव आता हुआ दिख सकता है। सेकंड स्टॉक की अगर हम बात करें तो ICICI बैंक, देखिए इसके रिजल्ट भी अच्छे आए थे और ये स्टॉक अपने पिछले लाइफ टाइम हाई के आसपास वापस जाकर बंद हुआ है। यहाँ पे ऊपर बड़े गैप अप के कारण खुलने के कारण एक सेलिंग आ गई थी बट नीचे से वापस बाइंग आ रही है। अगर बैंक निफ्टी को स्टेबलाइज होना है तो दिस विल बी द लीडर, अच्छा स्टॉक है, रिजल्ट भी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और अच्छे लेवल पे भी है। अगर ये 1000 रुपये के ऊपर रहता है तो आप इसमें वापस ऊपर के लेवल्स नए हाई तक के भी प्लान कर सकते हो, बट इसको तभी बाय कीजिएगा जब ये 1000 रुपये के ऊपर है, बिना 1000 के नीचे अगर ये जाता है तो नो फन। अगेन स्विंग ट्रेडिंग कीजिएगा, स्लो चलेगा, हो सकता है आपको 15 दिन लगाए 10 दिन लगाए बजट के बाद चले, बट इवेंचुअली अगर 1000 रुपये को ये होल्ड करता है तो दिस कुड बी अ गुड ट्रेड। इसमें आप फ्यूचर्स लेके इसके एक पुट लेकर इसको होल्ड कर सकते हो, पोजिशनली हेज ट्रेड हो जाएगा और अगर कोई पुल बैक आता है तो अच्छा खासा रिजल्ट आपको इसमें मिल सकता है। देखिए यहाँ पे आपको जो स्टॉक्स ज़्यादा गिरे हैं उनके अंदर जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है उनके अंदर बाइंग मैं अभी अवॉइड करूंगा क्योंकि मिड कैप काफ़ी भागा है और फॉल अगर मार्केट में आया तो वही स्टॉक्स और ज़्यादा गिरेंगे। आपको यहाँ पे लार्ज कैप हैवी वेट स्टॉक्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बाइंग करने के लिए बार बार, क्योंकि ये स्टॉक्स गिरेंगे भी तो थोड़ा आराम से गिरेंगे, बड़ा लॉस नहीं होगा, थोड़ी स्टेबिलिटी आपको रहेगी। यहाँ पे देखिए रिलायंस का अगर हम चार्ट देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर ये खुद को होल्ड कर रहा है और इस एरिया में ऊपर जाकर एक पहला डिप आया था वहाँ से फिर से बाइंग आती हुई दिख रही है, 2 दिन से बढ़ रहा है। अगर रिलायंस पे भी नजर रखेंगे, रिलायंस भी अगर यहाँ से बढ़ता है तो रिलायंस का टारगेट मैं आपको बार बार पिछले 10 दिनों में 6 बार बोल चुका हूँ, 2900 से 3000 का है एज पर द चार्ट पैटर्न, और ये टारगेट अगर मार्केट को हासिल करना है, रिलायंस को हासिल करना है तो निफ्टी में अभी और जगह है। अगर रिलायंस यहाँ से 2900 या 3000 जाता है तो मैं नहीं मानता कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगी, और इवेंचुअली मार्केट अगर रिलायंस चलता है तो नया हाई भी बना सकती है। तो रिलायंस पे मेरी नज़र रहेगी, रिलायंस 2700 के ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ है, 2700 रुपये का राउंड लेवल है, इसके ऊपर अगर ये रहता है तो भी मैं मार्केट में शॉर्ट करना अवॉइड करूंगा और यहाँ से रिलायंस में भी वापस तेज़ी आती है तो जो पिछला हाई है वो टूटेगा 2785 का और फिर 2900 जो हम लेवल निकाल के चल रहे हैं वो आ सकता है बहुत ही इजीली। तो रिलायंस पे भी नज़र रखिएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आपको नज़र रखनी है कि ये किस तरह से बिहेव करें, क्योंकि ये मार्केट के हैवीवेट स्टॉक्स हैं और जिस तरह से ये बिहेव करेंगे उसी हिसाब से मार्केट भी कई बार मूव करती है। तो हैवीवेट स्टॉक्स पे मेरी नज़र अभी भी रहेगी और बजट से पहले जिस तरह से ग्लोबल मार्केट से सब कुछ सही लग रहा है, एक अच्छा खासा फॉल बैंक निफ्टी में आ चुका है, अगर मंडे को सही जगह पर खुलते हैं तो आपको लेवल्स मैंने बता दिए उनके ऊपर निकलने पे आप एक बाइंग का प्लान कीजिएगा। अभी बिना किसी वजह के हम लोग सेलिंग करें, एक सेलिंग आ गई, रिजल्ट्स कुछ ख़राब आए थे उस कारण से, बट यहाँ पे अभी सेलिंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठता है। ऊपर के रेटों से सेलिंग करेंगे तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, बट हाँ अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं मिड कैप में सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने आपको लेवल बताया, निफ्टी में इंटरेस्टेड हूँ, बैंक निफ्टी में देखेंगे 44500 का लेवल टूटता है तो फिर वहाँ से आपको मैंने टारगेट्स बताए नीचे जो पॉसिबल आने के लिए उनके लिए ट्रेड करेंगे, बट अब यहाँ पे इन रेटों पे निफ्टी मिड कैप निफ्टी जो कम गिरे हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। प्लस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि स्टॉक्स कैसा कर रहे हैं हैवीवेट स्टॉक्स की, ये नहीं होना चाहिए कि रिलायंस HDFC बैंक भर रहे हैं और आप निफ्टी की पुट ले रहे हो, क्योंकि अगर वो स्टॉक्स भर रहे हैं तो मार्केट को चाह के भी नहीं गिरने देंगे। तो दिस इज माय व्यू फॉर द मार्केट फॉर द कमिंग डेज कमिंग वीक। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राम।